पर था। धीरे धीरे लाल होता हुआ हिंदुस्तान का नक्शा अब पूरी तरह लाल हो चुका था। मुगलों, मराठों और सिखों की शक्ति टूट चुकी थी। राजाओं, महाराजाओं, नवाबों और जागीरदारों ने हार मानकर अपने हथियार डाल दिए थे, लेकिन सामान्य हिंदुस्तानी ने हार नहीं मानी। उनके दिलों में आजादी की चिंगारी अभी जिंदा थी और इसी के परिणाम स्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने सांडर्स की हत्या की एवं ब्रिटिश संसद में बम फेंका, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा दी गई। इसके पश्चात भगत सिंह की मां उनसे मिलने के लिए जेल पहुंची है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। कहो बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ माँ। माँ मुझे एक वचन दो। कहो बेटा, क्या दूँ? माँ जब मुझे फांसी लगे तब तुम मत आना। क्यों ना आओ? तू आएगी तो मुझे फांसी पर लटका देकर रो पड़ेगी, तो लोग क्या कहेंगे? एक क्रांतिकारी की माँ रो रही है, एक क्रांतिकारी की माँ कमजोर है। ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं नहीं आऊंगी, लेकिन तुम्हारी माँ कमजोर नहीं।